नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट थ्री के अंदर इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर सीरीज के अंदर। हम डेली इकोनॉमिक वॉच पर बात कर रहे हैं। आज 16 सितंबर की सारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी न्यूज पर हम डिटेल से बात कर रहे हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो अगले नंबर की न्यूज है वो ये है कि 20 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, ऐसा अनुराग ठाकुर जी का कहना है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, इनका कहना है कि 20 सेंट्रल पीएसयूज जो हैं ये आपकी जो हैं ये वेरियस स्टेजेस पे हैं, अलग अलग स्टेजेस पे हैं, जिनका इनका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा। और 6 जो हैं उनको जो है अंडर लिटिगेशन में आ रही हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन ये करके रहेगी। सरकार बहुत सीरियस है, उनका जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है पिछले 3 सालों का नहीं पूरा हो पा रहा है। सरकार काफी कुछ बेचना चाहती है, कैसे भी हो पैसा है, सरकार का खजाना ऑलमोस्ट खाली है। और मैं आपको इस डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बता चलूँ कि हिंदुस्तान में पहला मुल्क था जब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री एक प्रॉपर बनी थी। उसमें अब जो मंत्री बनाए गए थे वो अरुण शौरी जी को बनाया गया था वाजपेयी जी के टाइम पे। तो ये बड़ा एक तरीके से इंटरेस्टिंग है कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री करके बनाए गए, गवर्नमेंट के जितने स्टेक्स हैं उनमें आप फीस आउट करें, उनमें देखें किस तरीके से उनको बेचना है या उनके लिए खरीदार जुटाए जाए, किस दाम पे दिया जाए। तो ये एक तरीके की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप मान लीजिए आपको बहुत अच्छे बेनिफिट हो भी जाता है, लेकिन ये जिस तरीके से है इसमें एक एम्प्लॉयमेंट का इशू है, दूसरा इसकी प्रोडक्टिविटी का इशू है, तीसरा इसमें वेलफेयर का इशू है। अगर इसको लेकर के इस पे भी डिबेट काफी ज्यादा इसमें गरमाई हुई है। बीपीसीएल जैसे जो प्रॉफिट दे रही है सरकार को वो तक बेचने बिकने जा रही है, तो इसका रिपरकशन जो होने वाला है आने वाले वक्त में, लेके सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट को लेके, सरकार के पास गवर्नमेंट जॉब्स को लेके कोई विजन है, कोई मैप है, इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस पे जो भी होगा रिजल्ट, लेकिन फिलहाल ये है कि 20 के आसपास जो है ये आपकी वेरियस स्टेजेस पे है, ऐसा इनका कहना है अनुराग ठाकुर जी का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है। यानी सरकार बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार उनको टारगेट पूरा करना ही करना है डिसइन्वेस्टमेंट का। और ये सरकार काफी प्रयास रहा है इनका, एयरपोर्ट हो, रेल हो, सब कुछ इन्होंने एक तरीके से ऑलमोस्ट पीपीपी मोड में डाल दिया है, या उसको पूरी तरीके से बेचने का इन्होंने प्लान कर लिया है। तो ये कैसे होके रहेगा, लेकिन जिस तरह से भी होगा वक्त बताएगा कि इसका रिजल्ट फायदेमंद हुआ अर्थव्यवस्था के लिए, ये हिंदुस्तान के हित में हुआ, इससे लोगों को बेनिफिट हुआ, इससे लोगों को नुकसान हुआ, ये वक्त आकलन करेगा इसका। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो ये है कि बैंक का जो क्रेडिट है, मैं फिर से कह रहा हूँ क्रेडिट, हमने कल एक न्यूज कवर की थी जिसमें श्रिंक की बात की थी, इसमें क्रेडिट है जो 5.49% बढ़ गया है और डिपॉजिट्स जो है 10.92% बढ़ा है, ऐसा आरबीआई का कहना है। और ये जो आपका बैंक क्रेडिट जो ग्रो किया है 5.49%, अब ये 102.11 ट्रिलियन हो गया है। जो डिपॉजिट्स हैं ये जो इंक्रीज किए हैं 10.92% से, और ये जो इनका जो अगर वैल्यू निकाला जाए ट्रिलियन रुपीज में, तो ये 141.76 ट्रिलियन रुपीज में हो गया है, ऐसा इनका कहना है। जो अगस्त में जो फोर्टनाइट एंड हुआ था अकॉर्डिंग टू आरबीआई, तो ये बहुत ऑथेंटिक डेटा है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो ये है कि गवर्नमेंट ने बैन किया है प्याज के दामों को, ताकि प्याज के दामों में एक तरह से इन्फ्लेशन ना आ जाए, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। तो गवर्नमेंट ने 14 तारीख को ये एक तरीके से कहा है कि एक्सपोर्ट जितनी है ऑल वेराइटीज ऑफ ऑनियंस विद इमीडिएट इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है इमीडिएट इफेक्ट से, ताकि जो इनका अवेलेबिलिटी हो जाए मार्केट के अंदर फेस्टिव सीजन के अंदर। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। और वैसे इलेक्शन से जुड़ के भी देखा जा रहा है, आपको याद होगा 1998 में बीजेपी की जो है वो सरकारें हार गई थी, दिल्ली का चुनाव प्याज भी हार गए थे वो लोग। तो ये प्याज की एक हिस्ट्री है कि सरकारें बना भी सकती हैं, सरकारें गिरा भी सकती हैं। तो उसमें सुषमा स्वराज जी जो थी वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली थी उस वक्त, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन दिल्ली प्याज की वजह से राजस्थान, दिल्ली इस तरह से मेजर प्रदेश ही हार गए थे। चलिए इसके बाद जो राजेश खुल्लर जी हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है पर्सन इन न्यूज के हिसाब से, राजेश खुल्लर जी को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का। फिर से कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का, ये बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। तो इनको जो है वो एक तरीके से पर्सनल मिनिस्ट्री ने ऑर्डर इशू किया है 14 सितंबर को। तो खुल्लर जी जो हैं ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और इनके जो अभी की जो पोस्टिंग है वो कैडर जो है उनका स्टेट हरियाणा में है। तो ये 1988 के हैं, हरियाणा में हरियाणा कैडर से हैं। तो ये राजेश खुल्लर जी हैं, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का। चलिए इसको आगे देखते हैं। हाँ, अगले पार्ट में और सतर्क करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।